हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल मज़े में होंगे और अपना ढेर सारा ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, लोगों के मन में कई विचार आते हैं एलोवेरा के प्रति। उनको लगता है एलोवेरा क्या रोज़ लगाना चाहिए, क्या रात में लगाना चाहिए, क्या सुबह लगाना चाहिए, है ना? तो एलोवेरा को लेकर जो उनके दिमाग में जो कन्फ्यूज़न है, मैं आज उसको दूर करने वाली हूँ। आप अपने स्किन की देखभाल करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करते हो तो फिर उस वजह से क्या होगा, आपके स्किन पर जो रिंकल्स है, फाइन लाइंस है, एकदम छोटी छोटी रहती, जो शुरुआत कर देती है हमारे चेहरे पर, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। हम उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, अपने घर के कामों में इतने बिजी रहते हैं कि अपने लिए हम समय ही नहीं निकाल पाते। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने स्किन का ध्यान रखते हो ना तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है, जो लोग नहीं रखते उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आपके घर में एलोवेरा का प्लांट है तो आप उसको रोज़ यूज़ कीजिए, सुबह शाम सोते समय, यानी कि उसको लगाकर आप सो भी सकते हो, उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, है ना? और दूसरी बात क्या है कि अगर आप जो एलोवेरा जेल होता है, जो मार्केट वाला, जो आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा है, जिसको आप यूज़ करते हो और उसको आपको यानी कि लगता है कि बहुत अच्छा है, तो आप वाला एलोवेरा भी क्रीम फॉर्म में उसको यूज़ कर सकते हो, उसके क्रीम बना सकते हो और उसके 2 से 4 गुना लाभ आप पा सकते हो। तो आज मैं आपको ऐसी एक क्रीम बताने वाली हूँ एलोवेरा की, कि जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपको उसको यूज़ करके उसको अगर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना कर रखना, स्टोर करके रखना है, तो आप उसमें उसके लिए मार्केट वाला ही लीजिए एलोवेरा जेल, और ये प्लांट वाला नहीं लीजिए, ठीक है? और मैं दूसरी बात आपको बता दूँ कि मेरे जो इंग्रेडिएंट घर के ही होते हैं, बाहर का कुछ नहीं लगता उसमें। तो सबसे पहले हम अपनी रेमेडी स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी बिना टाइम वेस्ट गवाए। तो यहाँ पर मैंने खाली बाउल लिया, जो मैं हमेशा लेती हूँ, तो उसके लिए हमको यहाँ पर लेना है कच्चा दूध, ठीक है? रॉ मिल्क आप लीजिए, कच्चे दूध के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि आपको पता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है ना, सभी जानते हैं। ये आपके स्किन की जो झुर्रियाँ है, झाइयाँ, उसको भी दूर करता है कच्चा दूध। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पर ले रही हूँ, कच्चा दूध ही ले रही हूँ, आप देखिए, ठीक है? ये देखिए, मैंने कच्चा दूध लिया है ना, दिख रहा है ना आपको, ठीक है? तो मैं 1 से 2 चम्मच के करीब कच्चा दूध ले रही हूँ, ठीक है? ये मैंने ले लिया है कच्चा दूध। अब मैं आपको बता दूं भी, तो अगर आपको मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आपको इसको स्टोर करके नहीं रखना है तो आप अपना प्लांट वाला जो एलोवेरा है आप वो ले सकते हो, उसका जेल निकाल लीजिए। और अगर स्टोर करके रखना है तो फिर ये वाला लीजिए। मैं पतंजलि का ले रही हूँ, मैं इसको हमेशा यूज़ करती हूँ, तो इसके मेरे को फ़ायदे अच्छे मिलते हैं, है ना? और ये बहुत अच्छा है, तो आपको जो लेना है आप वो ले सकते हो। तो इसको भी हम ना 1 चम्मच के करीब ले लेती हूँ मैं इसमें। ख़त्म होने में आ गया ना, थोड़ा सा बचा है इसलिए, तो इसको मैं ले लेती हूँ 1 चम्मच, ठीक है? तो ये देखिए, ये मैंने ले लिया एलोवेरा जेल भी, दिख रहा है ना आपको, ठीक है? अब हमको इसमें तीसरी चीज़ क्या मिलानी है, ठीक है? तीसरी चीज़ हमको इसमें मिलानी है हल्दी। अगर आप जो ब्यूटी कॉस्मेटिक वाला नहीं, सॉरी, ब्यूटी प्रोडक्ट के जो यूज़ करते हैं ना, जो चेहरे के लिए ही खास बनती है कस्तूरी हल्दी, अगर आपके घर में वो है तो वो ले लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो हम ये बनाते हैं खाना, हमारी किचन वाली हल्दी, मैं वो ले रही हूँ। देखिए, 1 पिंच के करीब है ये हल्दी, तो मैं ये हल्दी यहाँ पर मिक्स कर दी हूँ, दिख रही हल्दी भी, ठीक है? तो अब हम इसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। सिर्फ इसमें एक दिक्कत है कि हमको ना थोड़ा सा ज़्यादा इसको हिलाना पड़ेगा, तभी अच्छी तरह मिक्स होंगे। तो मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ, और अगर आपके पास ये वाला नहीं हो ना, तो आप ये भी एलोवेरा इसमें मिक्स कर सकते हो, केसर और चंदन वाला, ये भी बहुत अच्छा होता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, ऐसे लगता है कि खुशबू लेते ही रहो, बहुत अच्छी खुशबू इसकी। मैं ना इसमें थोड़ा सा ये वाला भी जेल डाल देती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा ख़त्म होने में आ गया था, ज़्यादा निकला नहीं था, तो ये मैं इसमें मिला ली और बहुत अच्छी तरह मैं अब मिक्स कर रही हूँ।
उसको थोड़ा सा ना ज़्यादा मेहनत लगती है इसको मिलाने के लिए, बाकी कुछ नहीं। बाकी ये इतना बढ़िया बन के रेडी हो गया ना, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं मेरा ये जो है क्रीम फॉर्म में बन गया है बिल्कुल, देखिए ये देखिए, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ये देखिए। तो अब हमको इसको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो भाई आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हो, इसका कोई लिमिट नहीं है, कुछ ये नहीं है कि 10 मिनट लगा के रखो, 15 मिनट लगा, आप इसको पूरी पूरी रात लगा कर सो सकते हो, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत अच्छा। आप सुबह सोकर उठोगे ना तो आपके चेहरे पर एक गोल्डन ग्लो होता है ना, वो आ जाएगा बिल्कुल, है ना, क्योंकि हमने इसमें हल्दी भी ली हुई है, बहुत ही बढ़िया निखार आएगा इसमें। तो मैं इसको लगाती हूँ, ठीक है, देखिए। तो इसी तरह हमको क्या करना है, अपने पूरे चेहरे में इसको लगा लेना है, ठीक है। तो इसको ना इतनी देर, थोड़ा सा कम से कम 5 मिनट तक के मसाज करनी है, जैसे कि हमारा जो ये जो क्रीम बन के रेडी हुई है ना, ये पूरी हमारी स्किन में ऑब्जर्व हो जाए, इस तब तक कि हमको हल्के हाथों से इसकी मसाज करनी है। जब भी हमको मसाज करें ना, तो यहाँ से ज़रूर लीजिए, थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करते हुए, यहाँ से आँखें, जो आँखों के नीचे जो सूजन आ जाती है ना, एक अलग ही दिखता है कि आपकी नींद नहीं हुई, उस टाइप से ये यहाँ पे सूजा हुआ रहता है, स्वेलिंग, इसको बोलते हैं फ्लपीनेस, है ना। तो ये भी आप उससे क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो जब भी आप ये करें ना, तो आप ये उंगलियों से कोई भी इससे कोई भी एक उंगली ले लीजिए और उससे इसको हल्का सा दबा कर इसको ये कीजिए, हल्का सा, ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना, ठीक है। तो ये आपको इस तरह मसाज करते रहना है पूरा। गर्दन में भी यूज़ कर लीजिए, ठीक है। अगर आपकी स्किन में एकदम स्किन टोन एक जैसा नहीं है, कहीं से काला गोरा, यहाँ पे थोड़ा सा उस जगह पर थोड़ा सा अच्छी तरह मसाज कर लिए, क्योंकि क्या ये आपके इसमें एलोवेरा है ना, तो वो आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है, और साथ साथ में आपको क्या है, रोज का 2 से 3 लीटर आपको पानी पीना है ना, और आप डेली के लिए कोई डिटॉक्स वाटर होता है, आप उसको भी लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन जो है ना, हमेशा आपकी बॉडी हमेशा हाइड्रेट रहेंगी, है ना, इसलिए आपको क्या करना है, इसको हमेशा यूज़ करना है। ऐसी छोटी छोटी बातें होती है ना, कि हम जिसको ना माइंड ही नहीं करते बिल्कुल, और उस वजह से क्या वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि सबसे मेन हमारे चेहरे पर, बॉडी पर असर होता है, चेहरे पर बहुत जल्दी असर हो जाता है ना। तो इसलिए आप अपने शरीर का ख्याल रखिए, अपनी बॉडी का, अपने स्किन का ख्याल रखिए, तो वो भी आपका ख्याल ज़रूर रखेंगी, है ना। ये देखिए, ये पूरा अच्छी तरह अंदर स्किन में ऑब्जर्व हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए। अगर आप इसको थोड़ा सूखने के बाद भी घसोगे ना, तो इसमें जो आपने कच्चा दूध मिलाया है ना, तो ये जो डेड स्किन के जो डेड सेल्स होते हैं ना स्किन के, वो भी इसको ये निकल जाएंगे, देखना, अभी घसते घसते ही निकल जाएंगे, पूरा ऑब्जर्व हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसको लगाकर सो सकते हो, आपको इसको लगाने के बाद बिल्कुल अनकंफर्ट नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं है। सिर्फ एक बात ध्यान रखिए कि हमने इसमें हल्दी किचन वाली मिलाई है ना, तो दूसरे दिन या जब भी आप तुरंत भी अगर वॉश करते हो ना चेहरा, तो आपको क्या करना है, साबुन मत लगाना, साबुन नहीं लगाना, ठीक है, नहीं तो आप उससे क्या होगा, आपका जो चेहरा है ना काला पड़ जाएगा, फिर आप बोलोगे अरे हमने स्किन निखारने के लिए क्या लगाया था और हमारा चेहरा काला पड़ गया, ठीक है। तो इस बात का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। गर्म पानी से चेहरा बिल्कुल भी ना धोए, एकदम हल्का गुनगुना पानी ले लीजिए, जो कि जिससे कि हमारी स्किन ड्राई ना हो, ठीक है। अगर हम गर्म पानी से चेहरा धोते ना, तो हमारी स्किन रुकी रुकी हो जाती है, और इस वजह से क्या हमको चेहरे पे फिर
कहीं से कट जाता है चेहरा, कहीं से फट जाता है स्किन रुखी होने के कारण, इसलिए अपनी स्किन का खास करके ध्यान रखिए इस सर्दियों में। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मैं आज चेहरा नहीं धोने वाली, उसको ऐसे ही रखूँगी क्योंकि ये पूरा अंदर ऑब्जर्व हो गया है तो कुछ भी नहीं लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और इसके रिज़ल्ट कमेंट्स करके मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं आपके कमेंट्स का वेट करती हूँ, मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो। तो बाय बाय एंड टेक केयर।